गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने उमा मेजरिटी के ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको क्लास सेकंड की हिंदी की बुक पढ़ाऊंगी, जिसमें आप पढ़ेंगे व्याकरण की बुक। और व्याकरण की बुक में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर 5 पार्ट 5। आप पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, आज आप पार्ट 5 पढ़ेंगे। आपका ये लेक्चर 5 है, पार्ट 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम आपके क्या है बेटा, लिंग। पार्ट 5 आपका लिंग है। लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है, लिंग का मतलब क्या है, लिंग से आप क्या समझते हैं, आज आप इस पार्ट में नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है। देखिए, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में जिस शब्दों से हमें ये पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि स्त्री है या पुरुष है, तो ये हमें लिंग के माध्यम से ही पता चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है। तो लिंग किसे कहते हैं, आपसे किसी ने पूछ दिया, आप कहेंगे जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब बेटा सवाल ये उठता है कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है लिंग के प्रकार। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स होता है आपका, आप पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। किन शब्दों से, आप नाम से भी पता करते हैं ना, जैसे किसी का नाम बोल दिया गया, मैंने बोला राम, आपको 100% पता है, ये अलग बात है कि मैंने कहा राम किसी महिला का नाम रखा जाता हो, रखा नहीं जाता है, हो सकता है कोई ऐसा हो रख दिया हो, दुर्ला जी कोई होगा जो रखा होगा, लेकिन राम हमेशा किसका नाम होता है, पुरुष का नाम होता है। तो इससे हमें किसका पता चल रहा है, पुरुष जाति का। ये क्या है आपका, पुल्लिंग है, ये आपके पुल्लिंग में आता है। जैसे राम हो गया, आपका श्याम हो गया, लड़का हो गया, राजा हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है, वो सारे पुल्लिंग हैं। तो पुल्लिंग मीन्स पुरुष, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, जिससे हमें मेल का बोध हो, यानी कि पुरुष कौन है, आदमी कौन है, इसका बोध हो उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं, किसी ने आपसे पूछ दिया, आप क्या कहेंगे, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। किन शब्दों से, मैंने बोल दिया सीता, मैंने बोल दिया गीता, मैंने बोल दिया राधा, ये सब क्या है आपके स्त्री के नाम है ना, महिलाओं के नाम है, इससे आप पता कर लेते हैं कि ये महिलाएं हैं, ये स्त्री है, औरतें हैं। तो जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, और जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं आपकी क्लास में, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो जो लड़के हैं वो क्या है, वो पुल्लिंग है, और लड़कियां क्या है, स्त्रीलिंग है। तो शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लिंग किसे कहते हैं, शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष होने का और स्त्री होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इतना आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जहाँ पर पुरुषों की बात की जाए वहाँ पर पुल्लिंग होता है, और जहाँ पर महिलाओं की बात की जाए वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। ठीक, और पुरुषों में पुरुषों का नाम आएगा, महिलाओं में महिलाओं का नाम आएगा। ये आपके हुए, जैसे आप लड़का हो गया, ये क्या है आपका, पुल्लिंग है। गायक हो गया, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। गायिका है नहीं, गायक क्या है, नाना हो गए आपके, पुल्लिंग है। नानी हो गई, स्त्रीलिंग है। पिता आपके, पुल्लिंग है। मोर
आपका मेल और फीमेल होता है, इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जहां पर पुरुष की बात की जाए वहां पर पुल्लिंग होता है, और जहां पर स्त्रियों की बात की जाए वहां पर स्त्रीलिंग होता है। ये आपके चैप्टर में इतना ही दिया गया है। उसके बाद बेटा आप देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कैसे पता करते हैं। मैं यहाँ पे दो कॉलम बनाती हूँ, आप देखिए कुछ नाम लिखती हूँ, आप इससे समझ जाएंगे। ठीक, ये आपकी पुल्लिंग है और ये आपकी स्त्रीलिंग। देखिए मैं कुछ नाम यहाँ पे लिखूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया दूल्हा, दूल्हा जब शादी करने जाता है, दूल्हा बनता है ना, तो दूल्हा क्या है? पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? दुल्हन। क्या होगा? दुल्हन। मैंने बोला धोबी, धोबी क्या है? पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा इसका स्त्रीलिंग? धोबी। ठीक, मैंने बोल दिया दूल्हा, दूल्हा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दुल्हा। ठीक, ऐसे ही आपके पुल्लिंग होंगे और स्त्रीलिंग होंगे। जहां पर यहाँ पे देखिए हमेशा जितने भी महिलाओं के बारे में कहा जाता है उसका वर्ड सदैव, उसका जो शब्द होता है वो बड़ा ही होता है। आप इसको बाद में समझेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए जहां पर किसी महिला की बात की जाए वो स्त्रीलिंग होता है, जहां पर किसी पुरुष की बात की जाए वो क्या होता है बेटा? पुल्लिंग होता है। ठीक, इतना आपने समझ लिया। अब आप देखिए आपकी बुक में यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे चित्रों के नाम देखिए और लिंग बदल कर लिखिए। ये क्या है आपका? चित्रों के नाम लिखिए, मतलब क्या है? हाथी है तथा उसके लिंग बदल। हाथी है तो हाथी का क्या होगा? हाथी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये साहूकार है। यहाँ पे चित्र देख के लिखेंगे और उसका स्त्रीलिंग लिखेंगे। राजा है, राजा का स्त्रीलिंग लिखेंगे। दर्जी है, दर्जी का स्त्रीलिंग लिखेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आपको अलग करके लिखना है। इधर पुल्लिंग लिख दीजिए, इधर स्त्रीलिंग लिख दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है घर से बैठिए अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, वो आपको इसमें कॉलम में जितने भी वर्ड दिए गए हैं आपको अलग करके बताएंगे। ठीक, उसके बाद सही उत्तर चुन करके आपको वाक्य पूरे करने हैं बेटा। घास खा रही है कौन? यहाँ पे देखो दिया गया है बकरी की बकरा। बकरा घास खा रही है? नहीं, गलत होगा आपका ये वाक्य। बकरी घास खा रही है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद ने हरी साड़ी पहनी है, दादा ने साड़ी पहनी है कि दादी ने साड़ी? कौन पहनता है? दादी। तो दादी ने हरी साड़ी पहनी है। ठीक, स्त्रीलिंग हुआ आपका। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बेटा दाना चुग रही है कौन? यहाँ पे देखिए मोरनी, मोर। मोर क्या है? पुल्लिंग है, चुग रही है, यानी कि स्त्रीलिंग है। देखो वाक्य से पता चल रहा है, तो इसमें मोरनी दाना चुग रही है। घोंसले में बैठी है कौन? चिड़िया। जितने भी वाक्य है सारे आपके स्त्रीलिंग है। पेड़, एक पेड़ की छांव में बैठा है कौन? शेर। शेर एक पेड़ की छांव में बैठा है, तो ये आपका हुआ। उसके बाद आप क्वेश्चन छोड़ देखेंगे, आप इन्हें क्या कहते हैं सोच कर बताइए। और इनकी आपकी माता के माता पिता क्या है? दादा और दादी। आपके पिता के माता पिता, आपकी माता के माता पिता नाना और नानी। आपके पिता के माता पिता दादा और दादी। आपकी माता के भाई व उनकी पत्नी। आपकी माता के भाई आपके मामा हुए और उनकी पत्नी क्या हुई? मामी हुई। आपकी माता की बहन व उनके पति क्या हुए? आपकी मौसी हुई और मौसा हुए। आपके पिता के छोटे भाई व उनकी पत्नी क्या हुई? चाचा और चाची। आपके पिता के बड़े भाई व उनकी पत्नी क्या हुई? बड़े पापा बड़ी मम्मी। आपके पिता की बहन व उनके पति क्या हुए? बुआ और फूफा। तो आप इसको क्या करेंगे बेटा? घर पे बैठेंगे और अपने मम्मी पापा से पूछ करके, अपने बड़ों से पूछ करके, जितने भी क्वेश्चन हैं इन रिश्तों के बारे में आप इस बुक को फिल करके मुझे भेजेंगे। आपको नहीं समझ में आता है तो मैं तुम ग्रुप में आपको बुक भर करके भेजती ही रहती हूँ। इसको आप कर लीजिएगा। आप देखिए चैप्टर 5 पढ़ने से पहले आपके बुक में ये था बेटा। चैप्टर 4 के बाद नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए।
दूसरे चित्र में तीन तीन चीजें छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए और रंग करिए। यहाँ पे देखिए इन चित्रों को देख करके जो चीजें छूटी हुई हैं यहाँ पर बना करके इससे क्या करना है, आपको कलर भरना है। इसको आप करने में बड़ा मजा लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा, कलर करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप करके ग्रुप में फोटो खींच के सेंटर पे भेजिएगा, मैं इसको चेक करूंगी। ओके, और अगली वीडियो में आपका अगला चैप्टर होगा चैप्टर 6। तब तक आप इसको आराम से पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचाते रहिए, खूब पढ़ाई करिए।